Good morning all of you. Welcome to English class. Today we will revise chapter 2, The First Tooth. The poem First Tooth is written by the poet Charles Lamb and Mary Ann Lamb. They were brother and sister. They are best known for their books. Most of the work they wrote were happy poems and stories for children. Now I am reciting the poem. Through the house what busy joy, just because the infant boy has a tiny tooth to show, I have got a double row, all as white and all as small, yet no one cares for mine at all. Here the poet has beautifully expressed the sibling rivalry. In the first stanza, the child says that all the family members are busy with joy of the infant boy who has shown his tiny tooth, while as his elder sibling is jealous of why his parents are ignorant towards his double row set of teeth. All has white and small. Here, double row set of teeth means complete set of teeth. इस कविता में कवि ने सहोदर भाई बहन के प्रतिद्वंद्विता का सुंदर चित्रण किया है, अर्थात कवि यह बता रहे हैं कि नवजात शिशु के पहला दांत आने पर घर के सभी लोग खुशी से व्यस्त हैं, जबकि उसके बड़े भाई को पूरे दांत निकल आए हैं, फिर भी उसके पेरेंट्स उसे इग्नोर करते हैं। नाउ सेकेंड स्टैंजा, ही कैन से बट हाफ अ वर्ड, येट दैट सिंगल साउंड्स प्रेफर्ड टू ऑल द वर्ड्स दैट आई कैन से इन द लॉन्गेस्ट समर डे। सेकेंड स्टैंजा, ही ऑल्सो कंप्लेन्स अबाउट हिज पेरेंट्स हु आर प्रेफरिंग सिंगल साउंड ऑफ द यंगर चाइल्ड ओवर ऑल द वर्ड्स दैट ही कुड यूज ऑल द डे। सेकेंड छंद में कवि को यह शिकायत है कि उसके पेरेंट्स बच्चे के एक सिंगल वर्ड के कहने पर इतने खुश हैं, जबकि वह दिन भर पूरी बात करता है, फिर भी पेरेंट्स उसे ध्यान नहीं देते हैं। इन थर्ड स्टैंजा, ही कैन नॉट वॉक, येट इफ ही पुट विथ मिमिक मोशन आउट हिज फुट एज इफ ही थॉट ही वर एडवांसिंग, इट इज प्राइज मोर देन माई बेस्ट डांसिंग। इन थर्ड स्टैंजा, द चाइल्ड इज लॉन्गिंग फॉर वाई हिज बेस्ट डांसिंग इज नॉट नोटिस्ड बाई हिज पेरेंट्स रदर देन द मिमिक मोशन ऑफ हिज न्यू बॉर्न ब्रदर। तीसरे छंद में कवि यह कहते हैं कि उसके नवजात भाई के छोटे छोटे पैरों के थिरकने के समक्ष पेरेंट्स उसके नृत्य को भी नोटिस नहीं करते हैं। नाउ टुडेज होमवर्क इज दोज स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी रिटन द पोएम इन होमवर्क कॉपी, दे विल जस्ट लर्न द पोएम, बट अदर विल राइट इन इंग्लिश होमवर्क कॉपी एंड लर्न इट। Thank you.